नमस्ते एंड वेलकम बैक टू योर एंड आवर चैनल समाप्ति एक्सप्लोर्स। अभी सुबह की 6 बज रहे हैं और आज है दशमी, तो मेरे घर पे कुछ फ्रेंड आएंगे सिंदूर खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे नन बंगली फ्रेंड है उनको पता नहीं है कैसे हम लोग सिंदूर खेलते हैं। और तो मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि हम लोग कतर में तो पूजा नहीं मिला, इस बहाने कुछ फ्रेंडों के साथ भी हमारा थोड़ा सा मुलाकात हो जाएगा। इसलिए बना रही हूँ मैं खीर, मतलब पायस और चना मसाला, और साथ में रहेगा रसगुल्ला। और हमें तो कलश बिठाऊँगी दशमी की, तो उसका प्रसाद भी रहेगा। थोड़ा सा ऐसे खाने का कुछ नहीं है, जस्ट फ्रेंडों के साथ मिलना है और सिंदूर खेलना है। 3 दिन की इतनी खुशी के बाद आज दुर्गा माता चले जाएंगे, पूरा हमारे वहाँ पे एकदम खाली सन्नाटा सा छा जाएगा, तो सोच के भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे चना मसाला को मैं 10-15 मिनट तक बिठा दूंगी। और धीमान आज स्कूल जाएगा और बाबू का आज छुट्टी है, स्टडी लीव है। धीमान को छोड़ने आज मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे फ्रेंड 10:30 बजे तक आ जाएंगे, तो उससे पहले मुझे सब कुछ प्रिपरेशन करना है। इसलिए मैं नहा धो के आ गई और भगवान की प्रिपरेशन के लिए लग गई। कलश में मैं जो मम्मी को देखा है जैसे बिठाते मेरे सासू माँ, वैसे ही बिठा रही हूँ, थोड़ा सा स्वीट फ्लावर। और बाबू भी आज नहा धो के आ गया, बोल रहे मम्मा मैं तुमको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। अच्छा लगता है जब बच्चा सामने से आके बोलते हेल्प करने के लिए, तो इसी बहाने उनको भी कुछ कुछ पता चलता है। ऐसे बताता याद नहीं रहता है, हर साल वही सवाल फिर से करता है, मम्मा ये कलश क्यों बिठा रहे हो, ये क्यों है, वो क्यों है। लेकिन मैं सोचती हूँ करते करते एक दिन सीख जाएंगे। तो रसगुल्ला ये बंगाली का एक शॉप है, यहाँ पे बांग्लादेशी शॉप है, वहाँ से लेके आए। और ये मम्मी एक पूर्ण पत्र देते हैं, यहाँ पे एक सिल्वर गोल्ड फूल और एक कॉइन देते हैं, कच्चा हल्दी भी देते हैं, वो नहीं है मेरे पास, तो ये भगवान के हेल्प चाहिए वो वाला दे दें। SST क्यों पढ़ाई नहीं। ये रहा पतिदेव का टीका, बड़े बेटे का। ये रहा छोटे बेटे का दीवान का। और ये रहा मेरा, ये जो बुक में तुमको हेल्प चाहिए तो वही बुक हम लोग देते थे पहले। और ये सिंदूर की फूटा देते जो बहुत हम लोग संभाल के रखते थे बचपन में, किसी किसी बुक में नहीं आता था तो बुरा लगता था। ये कलश में मैंने थोड़ा सा तिल हरते की और पानी दे दिया, और आम की पत्ता वहाँ पे धान लगा दिया, और पूर्ण पत्र, यही मतलब सिंपल से मुझे जितना पता है वैसे ही मैं बिठाती हूँ। और बुक, जो बुक आपको देना है, बुक कुछ भी दे सकते हो भगवान के पास। शंखधनी और जोकर देके बिठा दिया कलश। कलश बिठाने के बाद हम सब ने थोड़ा थोड़ा फ्लावर भगवान को, दुर्गा माता को दिया, क्योंकि हमने तो अंजलि नहीं दे पाई, यहाँ पे पूजा नहीं है इसलिए। और फ्लावर देने के बाद मैंने निवेदन कर लिया दुर्गा माता को सारे प्रसाद, वो ग्रहण करे। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर दरवाज़ा बंद कर देंगे, बोलते कि भगवान को ये खाने देना चाहिए। दरवाज़ा बंद करके हम लोग सब यहाँ से निकल जाते हैं बाहर। 5-7 मिनट के बाद हम लोग आ गए, अभी सब प्रणाम करके। अब हम लोग ना 7 बार इस चावल पे हाथ फेरते हैं और अपनी विश जो भी है भगवान के पास रखते हैं कि भगवान हमारे ये विश को पूरा करे, क्योंकि हमारे में विश की तो कमी नहीं होती है। तो इसी बीच मेरे फ्रेंड भी आ गए, सारे फ्रेंड आ गए, तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था कि ऐसे कुछ रिचुअल है, तो सब मिल के ये किया है। हमारे इंडिया में हम सारे स्टेट के अलग अलग सारे फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, लेकिन सबका अलग अलग तरीका होता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, दुबई में या कतर में जहाँ पे रह रही हूँ, सब स्टेट से लोग हैं और सबके साथ दोस्ती होता है, तो अपनी अपनी जो कल्चर है, फेस्टिवल है, हमें देखने को मिलता है, तो जानने को भी मिलता है। ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग इंडिया में रह के भी सारे स्टेट की तो फंक्शन हम लोग अटेंड नहीं कर पाते। सबका
का मन भर के विश मांगना हो गया दुर्गा माता से। अभी हम लोग करेंगे थोड़ा सा फोटो सेशन, उसके बाद होगा हमारा डांस, क्योंकि सिंदूर खेला डांस के बगैर हो ही नहीं सकते हैं। तो ये साँची चली जाएगी, इसलिए मैंने पहले उसको सिंदूर दे दिया। तो ये मेरे और एक बंगाली फ्रेंड आ गई, तो उनको मैं भगवान के पास ले जाती हूँ, क्योंकि उनको पता है कैसे पूजा करना है। फ्रेंड अभी सब जा रहे हैं और शुभ विजयादशमी आभार कोबे बछर पड़े। दोपहर में खाना बना ये सब खा के हमने और खाना नहीं खाया, तो शाम होते होते पन्नूर करके एक रेस्टोरेंट में आ गए, क्योंकि हम लोग ये तीन दिन सप्तमी अष्टमी नवमी हम लोग घर पे ही खाए थे, सोचा दशमी में थोड़ा सा अलग के लिए थोड़ा सा बाहर से खाए तो अच्छा लगेगा। नवमी हम लोग कहीं पे गए नहीं है, घर पे ही थे, कुछ भी ब्लॉग भी बनाया नहीं है। और हमने ऑर्डर किया बिरयानी, चिकन टिक्का और नूडल्स।
और वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो एंड करने से पहले आप सभी को शुभ भेजिए, सब खुश रहिए, सेफ रहिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।